उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। मामला मानिकपुर थाना के देशराज नारा का है, जहां बारात से लौट रही बोलेरो अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक में घुस गई। गुरुवार देर रात हुए इस भीषण सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई। ड्राइवर को झपकी आने से हादसा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। सभी बाराती शेखपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे। इस हादसे का शिकार हुए 14 लोगों में से 6 नाबालिग हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काटकर सभी 14 लोगों के शव को बाहर निकाला। पुलिस को रेस्क्यू करने में तकरीबन 2 घंटे का समय लग गया। सभी के शवों को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक 12 बाराती कुंडा कोतवाली के जिगरापुर चौसा गांव के रहने वाले हैं, जबकि बोलेरो चालक समेत 2 लोग कुंडा इलाके के अन्य गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। आज दिनांक 19 नवंबर को रात्रि लगभग 11:45 बजे थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। सभी मृतकों की डेड बॉडी को सीएचसी कुंडा पहुंचाया गया है, जहां पुलिस द्वारा अभी वर्तमान में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। कल दिन में इन सभी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को भी ओवरसी किया गया। मृतकों के परिजनों एवं जो गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान हैं, उनसे वार्ता की गई और इस दुखद घटना में प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन मेरे द्वारा उनको दिया गया है। अभी तक की जांच से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर देशराज का इनारा नाम की एक जगह है, जहां पर ट्रक नंबर UP 33 AT 6151, ये ट्रक का नंबर है, इसके ड्राइवर द्वारा जो बीच का पहिया है वो पंक्चर हो जाने के कारण ट्रक को सड़क के साइड में पार्क किया गया था और उसी दौरान बोलेरो गाड़ी पीछे से आई और ट्रक के साथ बहुत जोरदार उसकी टक्कर हुई, जिसमें बोलेरो का लगभग आधा हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया। इसी टक्कर के कारण इस बोलेरो में सवार सभी 14 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। बोलेरो सवार सभी व्यक्ति गांव जिरगापुर थाना कुंडा के रहने वाले थे और घटना के समय ये सभी लोग ग्राम शेखापुर थाना नवाबगंज में एक बारात समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव जो थाना क्षेत्र कुंडा में पड़ता है वहां वापस जा रहे थे। मौके पर सीओ कुंडा एसडीएम कुंडा के साथ 6 थाना प्रभारियों को विभिन्न कार्यों होते डिप्लॉय किया गया है। पुलिस की जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। फील्ड यूनिट के द्वारा मौके से एविडेंस कलेक्शन किया गया है। बोलेरो गाड़ी के मालिक और ट्रक के मालिक, इन दोनों का पता किया जा रहा है, इनसे भी संपर्क किया जाएगा और जो भी इसमें प्रभावित लोग हैं पुलिस और प्रशासन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनके साथ खड़ा है और उनकी जो भी संभव मदद होगी पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा। दस्तक भारत के लिए प्रतापगढ़ से अभय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।